अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ? बड़ी ही मजेदार दिलचस्प रेसिपी बना रही हूँ जिसका नाम है, अब मच्छी तो देख रहे हैं तो मच्छी है, अच्छा मच्छी फ्राई है, और मच्छी फ्राई में भी ये थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की है, लेकिन ये थोड़ी सी टैंगी रहेगी और चटपटी रहेगी क्योंकि इसमें हम थोड़े से टमाटर यूज करने वाले हैं। अच्छा, दूसरी समझिए ना, मैंने एक लाल मसाले वाली और एक हरे मसाले वाली दो तरीके की और मच्छी फ्राई भी मेरे चैनल पर रेसिपी अपलोड की है, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वो भी बनाइएगा, वो भी बड़ी जबरदस्त लगती है। तो अच्छा, यहाँ पहले सबसे पहले तो ये बोल दूं कि मेरी फेवरेट है मच्छी, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड की भी फेवरेट है और मेरे बच्चे की भी फेवरेट है, अजान की। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये मैं किस तरीके से आज बना रही हूँ। अच्छा, ये आप देख सकते हैं मैंने क्या किया है ना, ये तकरीबन 400 ग्राम तक की मच्छी है, आप चाहें तो 500 ग्राम तक की ले सकते हैं, और ये है पापलेट, आप कोई भी ले सकते हैं, आप चाहें तो पीसेस करी हुई भी 500 ग्राम या 400 ग्राम के दरमियान ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक साबुत पूरी एक पीस लिए है, नंग लिया है, 400 ग्राम का है, यहाँ से मैंने इसे स्लिट ओपन कर दिया और इसके अंदर की जो गंदगी थी वो सारी मैंने निकाल दी, आप देख सकते हैं, और यहाँ मैंने 3-4 स्लिट्स मार लिए सो दैट मसाला या जो भी हम नमक डालते हैं वो अंदर तक जाए। पीछे मैंने वो लंबी स्लिट मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां कोई गंदगी पीछे की साइड होती नहीं है और सारी आगे से निकल जाती है, यहाँ 4-5 पीछे मैंने स्लिट मार दिया। तो मैं अभी फिलहाल एक ही ये नंग का बना रही हूँ 400 ग्राम का, और ये तो मैं ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ मेरे छोटे बच्चे के लिए, तो इसको भी मैंने दोनों को क्या किया है मतलब मैं अच्छा खासा नमक लगाए और इसके अंदर भी डाला, यहाँ अंदर डाला, यहाँ पर स्लिट्स में डाला और लगाकर मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था, फ्रिज के अंदर ढक के रख दिया था, बाहर मत रखिएगा, फ्रिज के अंदर ढक कर रख दीजिएगा, 1.25 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 2 बड़े टमाटर लेने, अब आप देख सकते हैं मेरे को ऐसे खास बड़े भी नहीं है छोटे भी नहीं है, तो मैंने 3 लमसम ले लिए हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये तीनों को मैं छीन निकाल लेती हूँ और ये जो चॉपर है ना इसमें चॉप कर लेती हूँ, मैं पीस नहीं रही हूँ, आप चाहे तो पीस भी सकते हैं और आप चाहे तो बारीक काट भी सकते हैं, तो अब मैं इसे चॉपर में काटने के ग्रेट करने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए, ये ग्रेट हो चुके हैं आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ मालूम, मैं सबसे पहले मैं मसाला चढ़ा देती हूँ, जैसे टमाटर थोड़े पकते रहेंगे उसके बाद मैं मच्छी को धो के फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं 2 सेपरेट पैन यूज कर रही हूँ, अब आपको चाहिए आप एक ही पैन लीजिए, अब एक ही पैन में सबसे पहले मच्छी फ्राई कर लीजिए, निकाल लीजिए, मसाला बना लीजिए टमाटर पीस वाला टैंगी वाला, और फिर उसमें मच्छी को लोड के फिर गर्म करके निकाल लीजिएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा मैं 2 पैन यूज कर रही हूँ, तो मैं तो साइड बाय साइड भी बना सकती हूँ, तो मैं शायद वैसे ही बनाऊंगी अभी फिलहाल, लेकिन आप एक्सपीरियंस्ड नहीं है और आपको थोड़ा एक करके फिर दूसरा करना है तो आप वैसा कर सकते हैं, आप भी मेरी तरह 2 पैन यूज कर सकते हैं या एक ही यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग इज राइट, ठीक है ना। फ्राई पैन का चूल्हा चालू कर दीजिए और इसमें थोड़ा तेल डाल दीजिए, वैसे मैं कल का जो तेल है जिसमें मैंने मच्छी फ्राई की थी उसे साइड पर रख दिया था, मच्छी का तेल जो बच गया था, आप चाहे तो फ्रेश तेल ले सकते हैं। इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और इसे भूनिए, आपने तब तक भूनना है जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए, फास्ट आंच पर ही रखिएगा चूल्हे को। जब अच्छा भून जाता है अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये जो टमाटर है जिसकी छील निकाल ली है और आपने शायद बारीक काटा है या पीसा है, मैंने ग्रेट करके डाला है, वो डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए, चूल्हा स्लो आंच कर दीजिए और ढक कर इसे तकरीबन 3-4 मिनट पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक ये टमाटर है नम नहीं हो जाते। वैसे मच्छी को नमक चढ़ के 1.5 घंटा हो चुका है तो मैं इसे धो लेती हूँ। चलिए, धो लिया मच्छी को, अब यहाँ पर मैं चेक कर लेती हूँ, ये देखिए नम हो चुके हैं टमाटर, अब इसमें डाल दीजिए 3/4 छोटा चम्मच, मैं 3/4 डाल रही हूँ, आप एक भी डाल सकते हैं 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, और 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, स्लो आंच पर ही है चूल्हा, उसे ढक कर स्लो आंच पर पकने रख दीजिए, तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता, तब तक। चलिए, 4-5 मिनट हो चुके हैं और मसाला देख लीजिए कितने अच्छे से भून चुका है, तेल ऊपर आ चुका है, तो अब क्या कीजिए, 1/4 कप जितना पानी लीजिए, मैंने ये जो जार है जिसमें ग्रेट किया था उसी में ही चलाकर मैं पानी डाल देती हूँ, मिक्स कर लीजिए और धीमे आंच पर फिर से ढक कर इसे पकने दीजिए 3-4 मिनट तक, जब तक फिर से तेल नहीं छूट जाता, तब तक।
अच्छा मैंने यहाँ मच्छी निकाल ली है, 1.25 घंटा हो चुका है, और मैंने मच्छी को क्या किया है ना, आप क्लोजली देखेंगे तो ये जैसे आप देख सकते हैं मैंने मच्छी धो ली है अभी फिलहाल। और धो के ना, इसका मकसद धोने का ये था कि पूरा नमक हम निकाल रहे हैं, पहली बात तो वो, और दूसरी बात ये जो भी गंदगी आपको लगे वो भी सारी निकाल दीजिए। जैसे यहाँ काला काला होता है तो नाखूनों की मदद से इस तरीके से आप उसे स्क्रैच करते जाए तो वो निकल जाएगी, लेकिन लाइटली कीजिएगा, एज अ मच्छी को एज से हैंडल कीजिए एक बेबी की तरह, क्योंकि नहीं तो टूट सकने का डर है। पीछे भी मैंने आप देख सकते हैं पूरा इसका ब्लैकनेस निकाली है, अंदर भी ब्लैकनेस होती है तो वो भी निकाली। इस तरीके से पूरा मैंने इसे अच्छे से धो लिया और क्लीन कर लिया है मच्छी को। चलिए 4 से 5 मिनट हो चुकी है, फिर से ढक्कन खोल लीजिए और ये देखिए फिर से तेल ऊपर आ चुका है। फिर से दूसरी बार आप 1/4 कप जितना पानी डालिए, मिक्स कीजिए और इसे स्लो आंच पर ढक कर इसे पकने दीजिए। तो ये दूसरी बार मैं फिर से मसाला भुनने रख रही हूँ। चलिए जैसे आपने देखा मैंने दूसरी बार पानी डाला और उसे मसाले को भूनने रखा। अच्छा मेरी जो फ्राई पैन है वो स्टील की है तो ऑब्वियसली पानी जल्दी सूखता है और चिपकता भी है, कि अगर आपकी स्टील की ना हो के आपकी नॉनस्टिक हो फ्राई पैन तो आप 3 बार पानी डालने के बजाय 2 बार डालिएगा, पर मैं 3 बार डाल रही हूँ और ये जल्दी जल्दी चिपकता है तो मैं बार बार इंटरवल्स पे चेक करती रहूंगी कि ये पानी सूख तो नहीं जाएगा, तो मसाला पूरा चिपक जाएगा, मसाला तो पूरा वहीं खराब हो जाएगा। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, ये तो सिर्फ भुना रहा है तो इसे मैं साइड पर चालू करके स्लो पर रख देती हूँ तो ये भुनाता रहेगा ये वाला मसाला, और यहां पर मैं मच्छी का कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो क्विकली हम मच्छी फ्राई कर लेते हैं। चलिए फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए 1/2 छोटी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। वैसे मैं नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जैसे आपने देखा मैंने मच्छी को नमक 1.5 घंटे के लिए लगा के रखा था, धोने के बाद भी इसमें नमक रहता है, चढ़ा हुआ रहता है, मच्छी में अच्छा नमक चढ़ चुका है। अगर आपने नहीं डाला है तो इस समय मच्छी के आगे पीछे नमक लगाकर इसमें फिर डालिएगा। चलिए 1 मिनट के बाद इसे पलट दीजिए इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर, और पीछे का भी पकने दीजिए 1/2 मिनट के लिए, और 1/2 मिनट के बाद फिर से उलट पलट इसी तरीके से करते जाइए जब तक मच्छी पूरी तरीके से पक नहीं जाती। मैं मीडियम आंच अभी कर देती हूँ चूल्हे को। ये देखिए मच्छी फ्राई हो रही है जैसे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मसाला जैसे मैं बना रही थी आपको बोल रही थी भून रही थी, ये देखिए चिटक रहा ना, तो अब हम क्या करेंगे अगेन पानी डालकर मैं इसे भूनने रख देती हूँ। तो ये मैं तीसरी बार कर रही हूँ, आप चाहें तो 2 ही बार करें, क्योंकि मेरी जैसे मैंने कहा स्टील की है तो चिटक जाती है। चलिए इसे मैं ढक कर रख देती हूँ थोड़ा सा ये होने के लिए, पकने के लिए। तो और बेटर मेन तो ये है कि टमाटर बहुत अच्छे से घुल जाने चाहिए, अगर आप बारीक काट रहे हो, पीस रहे हो, जिस भी तरीके से डाल रहे हो, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि टमाटर बहुत अच्छे से नम होके एकदम पल्प में फॉर्म हो जाना चाहिए, तो वही मैं कर रही हूँ यहाँ। तो चलिए चलिए अब आते हैं फिर से मच्छी के ऊपर, बार बार इस पे नजर रखते जाइए, उलट पलट करते जाइए, 6-10 मिनट में तो मच्छी पक जाएगी दोनों ओर से। चलिए इसी तरीके से 1-2 मिनट के इंटरवल्स पे उलट पलट करते जाएं मच्छी को, 8-10 मिनट में तो मच्छी पक जाएगी। आप देख सकते हैं अच्छी खासी क्रिस्पी हो रही है, मैंने मीडियम आंच पर रखा है तो वो क्रिस्पी होगी, अगर आपको क्रिस्पी नहीं चाहिए तो आप स्लो टू मीडियम आंच के दरमियान रखिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी हो गई है। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये जो बड़ी मच्छी है मेरी 400 ग्राम 500 ग्राम तक वाली, वो समझिए ना 8-10 मिनट लगेगी उसको, और वो जो छोटी वाली है वो 5-6 मिनट में हो जाएगी। तो इसी हिसाब से छोटी होगी तो कम समय लगेगा, बड़ी होगी तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, 8-9 मिनट लगेगा। इसी तरीके से मैं उलट पलट करते जा रही हूँ और मच्छी को फ्राई कर लेना है। चलिए तीसरी बार जो हमने पानी डाला था वो बहुत अच्छे से सूख चुका है, तेल बहुत अच्छे से छूट चुका है, आप देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छे से भून चुके हैं बाय दिस टाइम। तो मैं चूल्हा कर देती हूँ इसका बंद, और साइड बाय साइड मच्छी देखिए क्या बढ़िया सी क्रिस्पी हो चुकी है, इसका टेस्ट कर लीजिए। ये जो छुरी आप इस तरीके से डालेंगे मक्खन की तरह अंदर चली जानी चाहिए, अगर नहीं जाती और हल्का सा भी आपका एफर्ट लग रहा है इसका मतलब मच्छी होनी बाकी है। तो आप क्या कीजिए 1-2 मिनट और पकने दीजिए और उलट पलट करते जाएं। चलिए मेरी मच्छी हो चुकी है, चूल्हा कर दिया मैंने मच्छी अभी बंद, और इसे मैं निकाल लेती हूँ और साइड पर रख देती हूँ। मैं अभी सर्व नहीं कर रही हूँ, अगर आप अभी सर्व कर रहे हैं तो प्रोसीजर वहीं से शुरू कर दीजिए। चलिए कुछ देर बाद ये देखिए टमाटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है इसका पेस्ट, तो अब मैं इसे गरम करूँगी तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी क्वांटिटी मुझे मसाले की मिलेगी। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ,
फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दिया और उसे हल्का उबाला जाने दीजिए। उसके बाद 1/4 कप जितना पानी डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। उसी समय मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटे चाय का चम्मच सिरका। आप चाहें तो पहले 1/4 डाल दें और फिर कम लगे तो आगे डालिएगा, और आप चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर हरा धनिया डालिए, मिक्स कीजिए। चूल्हा आप मीडियम आंच कर दीजिए और इसे 1 से 1.5 मिनट तक पकने दीजिए। जब आप लगे, ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का तेल छूटने लगे, तो इसका मतलब हमारे अच्छे से जो पानी था वो हल्का सूख चुका और अच्छे से वापस भून चुकी है। तो ये लीजिए आपकी बिस्मिल्ला बोल के मच्छी डाल दीजिए और इसे उलट पलट करते जाए। चूल्हा मीडियम कर दीजिए, मीडियम पर है आप देख सकते हैं, और इसके अंदर मसाला उलट पलट करते हुए मसाला जब अच्छे से वेल कोट हो जाए, और आपकी कंसिस्टेंसी आपको कितनी चाहिए उतनी रखिए। मैं मेरे हिसाब से रख रही हूँ, आप आपके हिसाब से रखिए। उलट पलट करके मसाला अच्छे से चिटक जाए तो चूल्हा कर दीजिए बंद और गर्मा गर्म इसे सर्व कर दीजिए। अच्छा, मैं तो थोड़ी देर के बाद सर्व कर रही हूँ, इसके लिए आपने देखा लास्ट में मैंने ठंडी हो गई इसके लिए पानी डाला था, लेकिन आप उसी समय अगर मच्छी को डाल रहे हैं मसाले के अंदर तो आपको पानी का छींटा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गाढ़ी हो गई थी इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी का छींटा डाल के उसे थोड़ा पका लिया। चलिए, वेल कोट हो चुका है तो इसे मैं एक बढ़िया सी डिश में निकाल लेती हूँ, और जो भी मसाला बचा हुआ हो सारा इसके ऊपर लगा दीजिए, क्योंकि मसाला कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है, यही तो मेन मसाला है हमारा। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ी सी कोथमीर डाल दीजिए, हरा धनिया, और अच्छा नमक अगर आपको कम लग रहा है आप उस समय चख लीजिएगा जब आप मच्छी डाल रहे हैं, उससे पहले अगर कम लगे तो एडजस्ट कर लीजिए। चलिए, मैं हरा धनिया डालती हूँ और सर्व करती हूँ। तो ये बन गई हमारी क्विकली झटपट, जैसे आप देख सकते हैं, बढ़िया सी मजेदार सी टैंगी मच्छी फ्राई। आप चाहे तो कोई भी मच्छी ले, आप चाहे तो पीसेस भी कर ले। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में फॉरवर्ड भी जरूर कीजिएगा इसके लिंक्स, और हाँ अगर आप बनाए तो कमेंट भी कीजिएगा, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन एंजॉय fish fry. Allah Hafiz.